Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अ प्रोडक्ट रिव्यू. जैसे आप लोगों ने मेरी वीडियो ओपन करी है तो आपको ऑलमोस्ट काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा देखने को. यस, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं दे मस्ट बी नोइंग मैंने कुछ दिनों पहले ही माई ग्लैम से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे. दो शीट मास्क मंगवाए थे और एक लिक्विड लिपस्टिक मंगवाई थी. सबसे पहले मैं बात करूँ, शीट मास्क मंगवाए थे मैंने दो, एक था केपले का और एक है शीट मास्क ग्लो ब्राइटनिंग शीट मास्क. दो अलग अलग शीट मास्क थे. इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये केपले का लीची का हाइड्रेटिंग शीट मास्क. ओके, अब मैं आपको आपसे बात करूं केपले है क्या. देखो, केपले की एक रेंज है जिसमें शीट मास्क में आपको सिर्फ 3 शीट मास्क ही मिलेंगी. एक है बेरी की शीट मास्क जो कि एंटीऑक्सीडेंट शीट मास्क है. एक है मेंडेरियन शीट मास्क जिसमें भरपूर मात्रा में आपको विटामिन सी होता है जिसमें जिससे आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ब्राइटन अप हो जाएगी. और थर्ड शीट मास्क है लीची की, दैट्स फॉर हाइड्रेटिंग, मतलब आपकी फेस जो है आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होगी. अब ये लोग ये इस शीट मास्क में ये लोग इसमें ये क्लेम करते हैं कि आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा वेल हाइड्रेटेड हो जाएगी. सो लेट्स सी, मुझे अप्लाई करके मुझे देखना तो था ही, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ. सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखो आपको मैंने बता दिया इसके बारे में, मैंने माई ग्लैम से परचेज किए थे. केपले की एक रेंज है जिसमें 3 शीट मास्क हैं और भी अलग अलग लिपस्टिक्स हैं जिसमें फ्रूटी फ्लेवर्स में जो होती है ना, तो उस तरीके से हैं. और बाकी शीट मास्क में आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे. मैंने मंगवाई थी लीची का, मुझे जस्ट ट्राई करना था, देखना था कि मतलब ये किस तरीके से वर्क करता है, क्या है. फर्स्ट टाइम परचेज थी मेरी फ्रॉम माई ग्लैम शीट मास्क में. मैंने बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हुए माई ग्लैम से, लेकिन शीट मास्क मैंने पहली बार इस ऐप से मैंने मंगवाए. अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ, देखो किस तरीके से आपको मिलेगा. ये इस तरीके से आपके पास आएगा. ये है केपले का लीची हाइड्रेटिंग शीट मास्क. ये आपने आगे से अच्छे से पूरा देख लिया. अब पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पीछे इस तरह से ये देखिए. अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसमें है क्या. तो इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा. लीची इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट नोन फॉर इट्स स्किन फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स दैट बूस्ट हाइड्रेशन लेवल्स, स्पीड अप द हीलिंग ऑफ डैमेज स्किन एंड कीप योर स्किन हेल्दी एंड नेचुरली. ये तो लीची के बारे में सब लोग जानते ही हैं. उसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली है कि दैट्स इट्स अ नेचर फ्रेंडली शीट. क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है इट्स मेड फ्रॉम स्पेशल नॉन वोवन लिनेन फैब्रिक. दिस शीट मास्क इज इको फ्रेंडली एंड कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल. ओके, एंड दिस शीट इज सॉफ्ट ब्रीथेबल एंड लाइट वेट एंड लेट्स योर स्किन सोक अप द सेरम इफेक्टिवली. ओके, एंड इट्स फ्री माइल्ड फॉर्मूला. ठीक है, ये तो इन्होंने बताया है. अब मैं आपको बताती हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपको शीट मास्क होती क्या है, ये जो शीट मास्क होती है किस तरीके से वर्क करती है. शीट मास्क क्या होती है, देखो एक शीट होती है जो कि आपके फेस के लिए बनी होती है. उसमें कटआउट्स होते हैं फॉर योर आईज, फॉर योर नोज, फॉर योर माउथ, और वो इस तरीके से होता है इस शीट मास्क में. अब आप देखो ये अभी अभी जैसे शीट मास्क का ये सब जो चलन बोलते हैं ना, ये अभी स्टार्ट हुआ है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है भरपूर मात्रा में सेरम आपके फेस के लिए. मतलब आप जब अपने फेस पे लगाओगे, जब आप उसको निकालोगे तो आपके फेस पे भरपूर मात्रा में सेरम होगा. अच्छे से इसके अंदर सेरम होता है, इतना होता है कि आप अपने हाथ पैरों पे भी लगा सकते हो, तो जो आपके फेस के लिए बहुत अच्छा होता है. अलग अलग वेरियंट्स में आते हैं शीट मास्क, लीची, पोटैटो, कुकुम्बर, बहुत अलग अलग तरह से आते हैं. वो आपके ऊपर आपको किस तरीके से अपनी फेस के लिए शीट मास्क चाहिए. सो ये आपको यूज कैसे करना होता है, आप यूज करोगे अपने फेस को वॉश करने के बाद और टोन करने के बाद. कभी भी शीट मास्क को मॉइस्चराइजर के ऊपर नहीं लगाते या फेस वॉश से पहले नहीं लगाते. हमेशा कभी भी कोई फेस पैक या शीट मास्क लगाते हैं तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही शीट मास्क लगाते हैं. ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कैसे लगाना चाहिए और शीट मास्क होती क्या है. अब इसमें यही लिखा हुआ है, अब मैं आपको दिखाऊं, देखो इसमें हाउ टू यूज, किस तरीके से आपको इसको यूज करना है. अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ इसमें वैसे क्या लिखा है हाउ टू यूज में. अप्लाई दिस फेस मास्क आफ्टर क्लींजिंग एंड टोनिंग योर स्किन. अलाइन द मास्क यूजिंग द आई एंड नोज कटआउट एज अ गाइड एंड स्प्रेड इट अक्रॉस योर फेस. आपको उस तरीके से लगाना है. बहुत पतला सा होता है, देखो ना, बहुत पतला सा है. और लीव द मास्क ऑन फॉर 20-30 मिनट्स एंड रिलैक्स. और रिमूव द मास्क एंड जेंटली मसाज, जो इसके अंदर सेरम होता है, जो
जब आप उसको निकालोगे तो उसको अच्छे से अपने फेस पे मसाज करो ताकि वो आपके स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और जो भी एक्सेस होता है सेरम जैसे पैकेट में बचा हुआ है जो भी होगा वो अपने हाथ पैरों में आप लगा सकते हो, ठीक है। और देखो अब इसमें मैंने आपको दिखा दिया, ये आपको हाउ टू यूज हो गया। अब उसके नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी। मैन्युफैक्चरिंग जैसे इसकी है दिसंबर 2020 और ये है यूज बिफोर दिसंबर 2022, दैट मीन्स इसकी 2 साल आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। इसकी MRP है 145 रुपीज, ओके 150 रुपये का एक शीट मास्क है और नेट वेट है 20 ml, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, अगर आप माइग्राम से ऑर्डर करते हो तो ये आपको किसी ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, ये ऐसे बस रोल करके आपको ऐसे इस तरीके से गोल गोल रोल करके आपको दे देंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया इसकी पैकेजिंग के बारे में, इसके बारे में और शीट मास्क के बारे में अच्छे से आपको पूरा क्लियरली मैंने यहाँ पे समझा दिया। ये इस तरीके से शीट मास्क है, मैंने एक शीट मास्क मंगवाई थी ये वाली, इस रेंज में एक शीट मास्क मंगवाई थी, और दूसरी जो अलग आती है माइग्लैम की ब्राइटनिंग शीट मास्क वो मैंने अलग मंगवाई थी, ठीक है। वो अराउंड 2200 की थी वन शीट मास्क, ये आपको 145 की वन शीट मास्क मिलेगी। तो मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बता दिया, अब मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने फेस पे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो चलो फिर मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और मैं इस शीट मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, आपको दिख भी जाएगा किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है और क्या रिजल्ट्स आते हैं शीट मास्क लगाने के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, तो मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करके आ गई हूँ और मैंने अपने बालों को बांध लिया, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, अब मैं जैसे यहाँ पे मास्क बना हुआ है तो जस्ट इसको मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ। मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया और टोन कर लिया और उसके बाद मैं अब ये शीट मास्क अप्लाई कर रही हूँ। तो जब हम शीट मास्क का ये पैकेट खोलते हैं ना सैचुरेट, तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, ये देखिए भरपूर मात्रा में अच्छे से सेरम है। कोई भी आप शीट मास्क लगाओगे ना उसके बाद आपकी आपका जो फेस है ना इतना हाइड्रेटेड हो जाएगा, प्लस इतना सॉफ्ट हो जाता है ना फेस, बहुत ज़्यादा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है लीची की, ओब्वियसली लीची का वैसे लीची की आएगी ना। ये देखिए अब ये कटआउट्स हैं फॉर आईज, फॉर नोज एंड फॉर माउथ। अब मैंने इसको बड़े आराम से ऐसे अप्लाई कर लिया। ये थोड़ा सा आप अपने आप हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया करो ऊपर से ऐसे। बड़ी अच्छी खुशबू है, बड़ा इसमें ना बहुत सारा सेरम होता है, बहुत सारा जो आपके फेस के लिए बहुत जरूरी होता है। और मतलब ये होता है 1 sheet mask is equal to 1 week ऑफ सेरम, अगर आप एक हफ्ते के लिए सेरम भी नहीं लगाओगे ना तब भी चलेगा फेस सेरम। तो इसलिए मैं ये शीट मास्क मैं हफ्ते में एक शीट मास्क जरूर अप्लाई करती हूँ फॉर श्योर। तो मैंने मुझे ये अप्लाई करनी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ कैसा है किस तरीके से है, ठीक है। तो अब मैं इसको अपने फेस पे आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दूंगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आया। अब मुझे ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गए हैं इसको रखे हुए और मैं इसको अब निकाल रही हूँ, ठीक है निकाल के देखते हैं। ओह गॉड, वाओ, ये देखिए आपको दिख रहा है मेरे फेस पे सेरम, और मैं इसको अच्छे से अपना पूरे फेस पे मसाज कर लेती हूँ। जो भी सेरम है फेस पे उसको अच्छे से मैं मसाज कर रही हूँ ताकि वो स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखा आपने कैसे फेस एकदम हाइड्रेट हो गया, ग्लो आ रहा है फेस पे, और मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ रिजल्ट से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने 20-25 मिनट्स रिलैक्स किया है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो सेंट है, जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी रिलैक्सिंग है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो एक चीज़ और है, कभी भी आपको शीट मास्क लगाने के बाद फेस नहीं धोना, बिकॉज आपने शीट मास्क लगाने से पहले फेस क्लीन किया हुआ है, टोन किया हुआ है, उसके बाद आप शीट मास्क लगा रहे हो। तो शीट मास्क में होता क्या है, सेरम होता है, सेरम आपके फेस पे लग गया, स्किन पे आ गया,
जिससे आपकी क्या है स्किन जो है वो ग्लो करेगी, ब्राइटन अप हो जाएगी। तो कभी भी शीट मास्क लगाने के बाद फेस वॉश नहीं करते, इट्स अ नो, ठीक है? क्योंकि अगर आप फेस वॉश करोगे तो जो सेरम जो फेस पे लगा हुआ है, जो स्किन पे है, जो बाहर जो है एक्सेस सेरम, वो सब निकल जाएगा और शीट मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए शीट मास्क लगाने के बाद कभी भी मुंह नहीं धोते, एंड दैट्स इट। अगर मैं चाहूँ तो अभी मॉइस्चराइजर लगा सकती हूँ, मेरे मन के ऊपर है, मर्जी है, हल्का सा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लेके मैं अपने फेस पे लगा लूँ, या अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकती हूँ। इट्स अप टू मी, जैसा भी आप चाहो, और आपके ऊपर भी है जैसा आप चाहो। शीट मास्क लगाने के बाद चाहो तो हल्का सा मॉइस्चराइजर लो, अपने हैंड्स पे लो और ऐसे फेस पे लगा लो, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दो। सो दैट्स इट। देखो आपको मेरे फेस पे, देखो अगर मैं दिखाऊं कि देखो ग्लो दिख रहा है, फेस पे अलग से ही चमक आ रही है ना, तो ये होता है शीट मास्क लगाने के बाद। और अगर एक दो दिन बाद देखोगे तो और ज़्यादा ग्लो आता है फेस पे, ठीक है? सो दैट्स इट। समझ में आ गया आपको? अच्छे से मैंने इसका पूरा रिव्यू दे दिया, डेमो दे दिया कि क्या रिजल्ट आया, और मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ रिजल्ट से, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है शीट मास्क, हो सकता है मैं दो और मंगवाऊँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो ओपन करी, वीडियो देखी, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ मी, प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।